नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित कोविड टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्विटर के कार्यालय पर छापेमारी किए जाने के बाद आज राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से हैशटैग टूल किट के साथ लिखा कि सत्य डरता नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में कांग्रेस पार्टी से जुड़े दो लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने टूल किट को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था। पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया था। इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर को नोटिस भेजा। खबरों से मिले जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर से पूछा था कि ऐसे क्या तथ्य हैं कंपनी के पास जिसके आधार पर उसने टूल किट को लेकर किए गए ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया। इसके बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने कथित कोविड टूल किट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित दफ्तरों पर सोमवार को छापेमारी की। बता दें कि संबित पात्रा ने केंद्र सरकार के कोरोना प्रयासों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पर टूल किट का सहारा लेने का दावा किया, लेकिन ट्विटर ने संबित के इस ट्वीट को ही मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया। इसके बाद मोदी सरकार ने इससे आपत्ति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।